सेवन्थ क्लास बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आपका सेवन्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब जो हम करने वाले हैं वो है आपका एट्थ चैप्टर, लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की लाइंस कौन कौन सी होती है, डिफरेंट टाइप के एंगल्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर ग्लैंस में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम आपको पता चलेंगी। लाइंस और एंगल्स की इंट्रोडक्शंस, ठीक है, स्पेशल पेयर्स ऑफ एंगल्स की कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल्स, ये सारे हम एंगल्स इसमें पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं और पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, जब हम दो पैरेलल लाइंस को हम कट करते हैं तो वो ट्रांसवर्सल का क्या यूज़ है उस लाइन में, पैरेलल लाइंस में, वो पढ़ेंगे। एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल फिर टू पैरेलल लाइंस, जब दो लाइंस पैरेलल हैं उसको ट्रांसवर्सल कोई काट या कट करने वाली लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स बन जाएंगे तो उन एंगल्स को किस तरीके से हमें यूज़ करना है वो हम इसमें चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 8.1, रिवीजन एक्सरसाइज है, पिछले चैप्टर की बेसिक जो लास्ट क्लास आपने की है उसकी ही बेसिक एक्सरसाइज आपकी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइन इज अ स्ट्रेट, एक लाइन स्ट्रेट है और एक्सटेंड है इनडिफाइनली। इनडिफाइनली मतलब हम उस लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लाइन को हम कितना भी, लाइन की बात हो रही है, लाइन को हम कितनी कहाँ से बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो बोथ साइड, तो हम लाइन को बोथ साइड बढ़ा सकते हैं कितना भी, ठीक है। बी पार्ट है अ डैश इज़ ए पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का एक हिस्सा है, एक लाइन का एक हिस्सा है विच हैज़ वन एंड पॉइंट, जिसका केवल एक एंड पॉइंट हो, मतलब एक तरफ हम उसको एक्सटेंड कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो गई रे, तो उसको बोलते हैं रे, रे लाइन का ही एक हिस्सा होती है, ठीक है। अ डैश इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन, ये भी एक लाइन का ही एक हिस्सा है विच टू फिक्स्ड पॉइंट, जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। द लाइन्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसी लाइन जो कभी नहीं कट करती, जो कभी नहीं कट करती, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन्स, क्या बोलते हैं, पैरेलल, पी ए आर ए डबल एल ई एल, पैरेलल लाइन्स, ठीक है। द लाइन्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स, ये थोड़ी स्पेलिंग नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ, पी ई आर पी ई एन डी आई सी यू एल ए आर, परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ एन एंगल ए बी सी एंड मार्क द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपने ए बी सी एंगल बनाना है और उसकी मार्किंग भी करनी है, ठीक है, उसके ऊपर मार्क करना है पॉइंट पी एंड क्यू इन द इंटीरियर। अब आपने एक वो बनाया एंगल, ठीक है, ये यहाँ पर कट कर दो ए बी सी, ये आपने एंगल बना दिया। अब उसने कहा इसके अंदर P और A दिखाओ, P और A अंदर आने चाहिए, यहाँ पर इन्होंने थोड़े से मिस, P और Q कर दो इसको, ये A गलत है क्योंकि A ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अंदर दिखाना है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया P बिंदी डाल के और अंदर एक और दिखा दो Q, ठीक है, P और Q अंदर हो गए। पॉइंट X Y Z ऑन एंगल ए बी सी, आपने एंगल बनाया वही सेम इस तरीके से, यहाँ पर ए कट बी और ये देन सी, उसने कहा है कि एक्स ऊपर है, वाई भी ऊपर है और जेड भी ऊपर है, ठीक है। अगला है पॉइंट आर एस इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब अब एंगल से बाहर हो गए, यदि हम एंगल बना रहे हैं ये आपने ए बी सी बना दिया, अब उसने क्या कहा है कि ये R और S बाहर है, तो बाहर कहीं भी दिखा दो, ये R दिखा दिया, S दिखा दिया। अब देखो इंटीरियर था तो मैंने अंदर बनाया, ऑन था तो लाइन के ऊपर बनाए, ठीक है, और एक्सटीरियर तो एंगल से बाहर बनाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लुक एट द एंगल्स ड्रॉन
क्लासीफाई दैम एज एक्यूट राइट एंड ऑब्ट्यूज़। ये एंगल बनाकर इसमें एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज़ बताना है। ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको नहीं बनाने, आपने सीधा बताना है ये कौन से एंगल है। यदि 90 से कम है, 90 से कम है एक्यूट, 90 से ज़्यादा है ऑब्ट्यूज, यदि 90 है एंगल तो उसे बोलते हैं राइट। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला एंगल कितने का है। 90 से देखो, 90 के लिए हमेशा दो लाइनें ऐसे आएंगी सीधी एकदम एल साइड में। एल से कम होगा तो आपने एक्यूट लिखना है। देखो ये एल से कम है तो इसको लिख दो एक्यूट एंगल। ठीक है, ये भी एल से कम है एक्यूट, ये एल से ज़्यादा हो गया, देखो ये एल खोलेंगे तो ज़्यादा हो गया तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये एल से कम है एक्यूट, ये एल से ज़्यादा है, ध्यान से देखेंगे तो एल यहाँ तक आएगा आपका। ठीक है, तो ये भी ऑब्ट्यूज, ये पूरा एल आ रहा है तो इसको बोलेंगे राइट, उल्टा एल आ रहा है ना, ये एल से कम आ रहा है एक्यूट, ये पूरा एल आ रहा है, ध्यान से देखेंगे तो पूरा एल आ रहा है, नाप के देखेंगे तो पूरा आएगा राइट एंगल। ठीक है, बट इज क्लियर। इन द फॉलोइंग फिगर्स नेम सेट ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं, तो लाइन के ऊपर बनने वाले नाम सारे कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो इसमें कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स इसमें कौन से हो जाएंगे, देखो एक लाइन के ऊपर बनने वाले नाम जितने भी हमारे पास पॉइंट्स दिए जाए, ए सी और डी, ए सी और डी, इसके ऊपर डॉट लगाओगे क्योंकि पॉइंट्स हमेशा डॉट से लिखे जाते हैं। ठीक है, यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो वो आ जाएंगे कॉलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, एक्स और जेड। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे कौन से हो जाएंगे, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। ठीक है, ओके, अगला टॉपिक है हमारा एंगल्स के, डिफरेंट एंगल्स के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। इन द प्रीवियस ईयर वी हैव लर्न्ड अबाउट सम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लाइक लाइन सेगमेंट, रेज और लाइन। आपने पिछली क्लास में लाइन सेगमेंट के बारे में, रेज और लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था। देखो लाइन सेगमेंट क्या होती है, जो बोथ साइड एक्सटेंड होती है इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जो केवल एक साइड एक्सटेंड होती है उसे बोलते हैं रेज, जो दोनों साइड स्टॉप हो जाती है जिसको हम कहीं भी एक्सटेंड नहीं कर सकते उसे बोलते, जो दोनों साइड एक्सटेंड होती है उसे लाइन, जो एक साइड एक्सटेंड होती है रे, और जो दोनों साइड नहीं एक्सटेंड कर सकते, किसी भी साइड एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो लाइन सेगमेंट। इस तरीके से जो दो रेज से मिलकर एंगल बनता है, जब दो रेज एक कॉमन पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, इस पॉइंट पर आकर ये वाली रे भी मीट कर रही है तो यहाँ पर यह एंगल बनता है। ठीक है, एंगल हमेशा दो रेज के मिलने से बनता है। तो आप ये सब चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो, एंगल्स को मेज़र करना भी सीख चुके हो। ठीक है, यदि एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल होगा, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अब आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स, दो डिफरेंट एंगल्स हैं उनको हम कम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे, जब उनका टोटल, उन दोनों एंगल्स का टोटल यदि 90 डिग्री आ गया तो एक एंगल दूसरे एंगल का कम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। सपोज करो यहाँ पर एंगल को ये एक वन दिया हुआ है, एंगल टू दिया हुआ है, वो 90 डिग्री का है। ठीक है, और यदि एक एंगल 40 है, एक एंगल 50 है, इन दोनों का टोटल, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, इन दोनों का टोटल यदि 90 डिग्री आता है तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कम्प्लीमेंट्री आ जाएंगे। 90 से जरा सा भी कम रह गया, 90 से जरा सा भी ज़्यादा हो गया तो कम्प्लीमेंट्री नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्रीज दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका टोटल 180 डिग्री होगा, जब दोनों एंगल्स का टोटल 180 हो जाए। मान लो एक एंगल 120 का है, एक एंगल 60 का है, तो ये दोनों टोटल 180 हो गया। 90-90 भी हो सकता है दोनों एंगल, 90-90 डिग्री क्यों, ठीक है, एक एंगल 45 का हो, एक एंगल 135 हो, तो ये एंगल इनका टोटल करके देख लो, यदि इन दोनों का टोटल 180 आता है तो ये सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, यदि 90 आता है तो ये कम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। ठीक है, अब आता है एंगल्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। यदि 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है तो ये ऑब्ट्यूज कहलाएगा, यदि पूरा 180 एंगल हो गया तो ये स्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, ये रिमेंबर्स जो दिए हुए हैं ये याद कर लेना अच्छे तरीके से।
90 और 180 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से यदि ज़्यादा की बात सॉरी पूरा 180 डिग्री की बात करें तो ये एंगल हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। अब आता है एडजेसेंट एंगल। दो एंगल विद सेम वर्टेक्स, दो एंगल है अलग अलग पर उनका वर्टेक्स सेम है और उनके बीच में एक कॉमन आर्म है और दूसरी आर्म, देखो एंगल जब भी बनता है उसके अंदर दो आर्म होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, दो आर्म होती है। बट यदि हम एडजेसेंट एंगल की बात करें, एक और एंगल है, ठीक है, यदि इन दोनों एंगल्स को यदि हमें एडजेसेंट एंगल बनाना है तो इसकी ये वाली लाइन और इसकी ये वाली लाइन एक हो जाएगी, ठीक है। दोनों आर्म्स को एक करना है तो हमारा एंगल कुछ इस तरीके से लगेगा। देखो ये वाला फर्स्ट वाला एंगल हो गया और ये वाला हमारा सेकंड वाला एंगल हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो लाइन थी ये दोनों की कॉमन लाइन हो गई, ये दोनों की लाइन है ना भाई, ये लाइन इसमें भी थी और इसमें भी थी, इन दोनों को मिलाकर एक किया तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, कॉमन आर्म हो गई, ठीक है। और दो लाइन्स जो है वो दो अदर आर्म्स रहेंगी, इसके अलावा इस लाइन के अलावा ये दो आर्म्स अलग है, ठीक है, और एक कॉमन पॉइंट, तो इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, जिसके अंदर एक ही वर्टेक्स हुआ, एक कॉमन आर्म हुई और दो अदर आर्म्स हुई, ठीक है, दो अदर आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। लाइक दिस, इसके अंदर ए बी डी एक एंगल है और डी बी सी एक एंगल है, ठीक है। इसके अंदर कॉमन वर्टेक्स बी हो गया, बी वर्टेक्स हो गया, कोना हो गया, वर्टेक्स को कोना बोलते हैं, ठीक है। कॉमन आर्म जो है वो बीच में बी डी हो गई और दो अलग से जो आर्म हो गई वो ए सी ए बी और बी सी हो गया, ठीक है। टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ड्रॉन एंड एडजेसेंट एंगल दे मेक ए राइट एंगल। यदि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़ दिया जाए, क्योंकि मैंने क्या बताया था कम्प्लीमेंट्री एंगल का एंगल का टोटल कितना होता है 90 डिग्री। सपोज करो आपने एक एंगल तो 60 डिग्री का बना लिया और एक 30 डिग्री का, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, तो ये एंगल कितने का हो गया, टोटल 90 का हो गया ना। तो हमने क्या कहा कि यदि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़कर एक एंगल एडजेसेंट एंगल बना दिया जाएगा तो वो हमेशा ही राइट एंगल होगा, ठीक है। लीनियर पेयर, अब दो एंगल्स हैं, देखो दो एंगल्स जुड़ रहे हैं, कॉमन आर्म भी है, वर्टेक्स भी कॉमन है, दो डिफरेंट रेज भी हैं, ठीक है, बट ये इनका टोटल यदि 180 आता है, इनका टोटल यदि इन दोनों जितने भी एंगल्स हैं, यदि जितने भी एडजेसेंट एंगल हैं उन सब का टोटल 180 आता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइंस या लीनियर पेयर्स। जितने भी एंगल्स होंगे इनको पेयर को बोलेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो इसमें ए ओ सी और सी ओ बी ये लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर का टोटल हमेशा ही 180 आता है, ठीक है। लीनियर पेयर जिसमें जिसका टोटल, जिन भी एंगल्स का टोटल, ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका टोटल 180 आता है उसे बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपने लाइंस ली और वो कट कर दी, दो लाइंस ली और आपने कट कर दी तो इनके अपोजिट एंगल, ये एक एंगल ये वाला है तो इसका अपोजिट ये वाला बनेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस वाले एंगल का पेयर ये वाला बनेगा, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो इसका मतलब वन एंगल जो है वो टू का वर्टिकली अपोजिट है और जो थ्री है एंगल उसका फोर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा ही इक्वल होते हैं, इसका मतलब जितना वन होगा उतना ही टू होगा, जितना थ्री होगा उतना ही फोर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मैंने आपको 8.1 कंप्लीट करा दी है और 8.2 की आपको इंट्रो करा दी है, ठीक है। तो आपने केवल मुझे जो काम सेंड करना है वो 8.1 काम करके सेंड करना है, ठीक है। 8.2 समझनी है अच्छे तरीके से, जब 8.2 मैं कराऊं तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको इंट्रो करा दी है। आप इंट्रो सारी आप दोबारा से अपने आप पढ़ोगे, जितने भी कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है ना, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पांचों टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। पांचों टॉपिक्स को आपने अच्छे से डिस्क्राइब करना है ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हों, यदि बेसिक क्लियर होंगे तभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आपने मुझे केवल 8.1 एक्सरसाइज जो है वो करके भेजनी है, ठीक है। 12 बजे से पहले बेटा सभी बच्चे अपना काम करके भेज दें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।